आप लोगों को यूनिट नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य का यूनिट 10 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें प्रश्नोत्तरी बताने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी प्रश्न। ठीक है, उसमें सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और हम लोग चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा क्वेश्चन। बट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ऑप्शन में है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया था, और लिखे कौन थे? कुमुद नागर ने। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी है? ऑप्शन में है तिरस्कृत, बसंत से पतझर तक, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, 1, 2 और 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन टू, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 में है तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय। ये तीनों आत्मकथाएं हैं। ठीक है, अब बसंत से पतझर तक ये एक व्यंग है, किनका है? रविंद्रनाथ त्यागी का है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल कर दूं, आप लोग को अच्छा लगेगा। डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तिरस्कृत जो है आत्मकथा है वो है सूरजपाल चौहान का। ठीक है, अपनी धरती अपने लोग एक आत्मकथा है जो है रामविलास शर्मा का। सहचर है समय आत्मकथा है जो है रामदरस मिश्र का। और बसंत से पतझर तक व्यंग है, किनका है? रविंद्रनाथ त्यागी का। तो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है, इसमें आपको ध्यान देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज की अतीत। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल कर दूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है हरिवंश राय बच्चन का 1969 ईस्वी में। टुकड़े टुकड़े दास्तान है अमृतलाल नागर का। सहचर है समय रामदरस मिश्र का है। आज की अतीत भीष्म साहनी का है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो इसका ध्यान दीजिएगा, कितना अकेला आकाश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब मैं अब डिटेल करता हूं, कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश है नरेश मेहता का। और जहां फब्बारे लहू रोते हैं यह है नासिरा शर्मा का। और है आंखों देखा पाकिस्तान, यह है कमलेश्वर का। अंतहीन आकाश, यह है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, और शेयर भी कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? आपको ध्यान देना होगा इस तरह का क्वेश्चन में। ऑप्शन है, अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, ए और सी इसका सही उत्तर होगा। अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये दोनों दलित आत्मकथा है। ठीक है, और अब मैं डिटेल करता हूँ सबके बारे में। अपने अपने पिंजरे है मोहनदास ने मिसराय की रचना है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की रचना है। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती की रचना है। गर्दिश के दिन ये है कमलेश्वर की आत्मकथा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन में होगा इसका ऑप्शन फोर सही उत्तर होगा, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, ब्योमकेश दरवेश। अब मैं इसका डिटेल थोड़ा सा करता हूँ। ठीक है, डिटेल में मैं बता देना चाहूँगा, कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है, जिसमें प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, कलम का मजदूर जो है
मदन गोपाल ने लिखा था प्रेमचंद के बारे में ही, मतलब प्रेमचंद का ही जीवनी है। फिर आवारा मसीहा, आवारा मसीहा है जो विष्णु प्रभाकर की रचना है। कौन लिखे थे? विष्णु प्रभाकर लिखे थे शरदचंद चट्टोपाध्याय के बारे में, जो बंगाल के लेखक हैं, बहुत बेहतरीन लेखक हैं। और ब्योमकेश दरवेश, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखा गया है। अब मैं सबका प्रकाशन बस थोड़ा बता दूं आपको। कलम का सिपाही आया था 1962 ईस्वी में, कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में, आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में, ब्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी में। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग, घर की बात किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ध्यान देना है, घर की बात किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन में है विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर माचवे, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं, याद हो कि न याद हो। ऑप्शन टू में है, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक जिनकी याद हमेशा रहेगी। यहाँ ध्यान देना है, यात्रा वृतांत पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा। यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फिलहाल आंसर बताता हूँ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, बी और सी। बी और सी में है, अरे यायावर रहेगा याद और जिनकी याद हमेशा रहेगी। ठीक है, जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये दोनों है, संस्मरण है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, बी और सी। बी और सी में है, यावर रहेगा याद आखिरी चट्टान तक, ये दोनों है यात्रा वृतांत। और जो दोनों है, याद हो कि न याद हो और जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये दोनों है संस्मरण। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है इस तरह का प्रश्न। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो इसका उत्तर होगा, हाँ ऑप्शन है, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद चटर्जी और बिमल मित्र। तो इसका सही उत्तर होगा शरदचंद चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये 1974 की रचना है जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम है? ध्यान दीजिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्मृतिकन, हम हस्मत, ली कलीक, बन तुलसी की गंध। ठीक है, अब मैं इसका बारे में थोड़ा डिटेल करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाशन मैं लास्ट में बताऊँगा, पहले लेखक बताते जाऊँगा। सभी संस्मरण ही है। ठीक है, स्मृतिकन प्रकाशन इसका हुआ था 1959 ईस्वी में, सेठ गोविंद दास की रचना है। फिर हम हस्मत है कृष्णा सोपती का, जो 1977 में प्रकाशित हुआ था। लीक अलीक है भारत भूषण अग्रवाल का, जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। बन तुलसी की गंध है जो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, 1984 ईस्वी में आई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैं केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो इसका ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, सी पूजन सहाय, नगेंद्र हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नगेंद्र। ठीक है, जो ये इनका रचना आया था, इनका अर्धकथा, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ भी डिटेल बता दूँ, अर्धकथा 1988 में आया था, जो नगेंद्र की आत्मकथा है। ठीक है, अब देखिए, मैं आप लोग को और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूँ। रामविलास शर्मा जो हैं, रामविलास शर्मा जो आत्मकथा लिखे हैं उसमें है, मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग है, देर सवेर द्वितीय भाग है, और तीसरे में है आपस की बातें। ठीक है, और फिर देखिए है सी पूजन सहाय, सी पूजन सहाय की है आत्मकथा है मेरा जीवन,
फिर हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन आप जानते ही, आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका चार भाग में है आत्मकथा। इनका है क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रथम भाग है। चीड़ का निर्माण फिर द्वितीय भाग है। और फिर है बसेरे से दूर, यह है तृतीय भाग है। दस द्वार से सोपान तक, यह है चतुर्थ भाग है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हाँ, तो अगला प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेती है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। बहुत अच्छा लाइन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा का, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्री, पुष्पा। तो ये जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें कौन करते हैं, पशु पक्षियों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ठीक है, मतलब दो तीन है आत्मकथाएँ। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथाएँ हैं? ऑप्शन में है अन्या से अनन्या, बट वृक्ष की छाया में, गालिब छूटी शराब, अपनी खबर। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक, तीन और चार। अन्या से अनन्या, गालिब छूटी शराब, अपनी खबर, ये तीनों क्या है? आत्मकथा है। और बट वृक्ष की छाया में, ये जीवनी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिड़िया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, सृजन के सेतु, सप्तपर्णी, वे देवता नहीं है, चिड़िया, रैन बसेरा। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न है, इसमें क्या है कि लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए उनके रचनाओं को। ठीक है, तो ऑप्शन में है, हाँ, अरे यायावर रहेगा याद, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताना चाहूँगा, अरे यायावर रहेगा याद, ये है अज्ञे की रचना है। ठीक है, देहरी भई विदेश, यह है राजेंद्र यादव की रचना है। बसंत से पतझर तक, ये है रविन्द्रनाथ त्यागी की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द। अब मैं इसका डिटेल में आपको बता दूंगा। हाँ, तो इसका अपनी खबर जो है 1960 में प्रकाशित हुआ था, ये पांडे बच्चन शर्मा उग्र का आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर 1970 की रचना है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है 1997 में। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे की रचना है, 2011 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना जीवनी नहीं है, इस तरह का प्रश्न आपको बार बार फंसाएगा। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर होगा मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया, मैं बताया था, डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, जो 2009 में प्रकाशित हुई थी। फिर मैं डिटेल कर दूं, कलम का मजदूर जो है ये 1964 की रचना है, जो जीवनी है मदन गोपाल लिखे थे इसको प्रेमचंद के बारे में। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, जो प्रेमचंद के बारे में लिखा गया था, 1962 में आई थी। प्रेमचंद घर में ये कौन लिखी थी? शिवरानी देवी, जो उनकी ही अपनी पत्नी हैं। ठीक है, सगी पत्नी हैं प्रेमचंद की, शिवरानी देवी, उन्होंने ही लिखा था। 1944 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो इसका सही उत्तर मैं बताऊंगा आपको।
ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन में है कस्तूरी कुंडल बस है, कस्तूरी कुंडल कुंडल बस है, ये किनकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा का, मतलब आत्मकथाकार हैं। 2002 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। हादसे है रमनिका गुप्ता का आत्मकथा है जो 2005 में आई। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आत्मकथा है 2007 ईस्वी में आई। मैं इसे पढ़ाऊँ, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। एकदम मनु भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों पति पत्नी थे और दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा लताड़ी हैं, किनको बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना की हैं इनके बारे में, राजेंद्र अपने पति के बारे में, मनु भंडारी, ठीक है, अपने पति राजेंद्र यादव के बारे में कि बहुत ज़्यादा अपने जीवन के प्रति लापरवाह थे, ये सब बताएं। आप लोग पढ़िएगा, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है समझने का, आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा। मनु भंडारी 2007 में इनकी आई थी कौन आत्मकथा, एक कहानी यह भी। अब है कृष्णा अग्निहोत्री, ये 2010 में प्रकाशन हुआ था, और औरतें आत्मकथा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह का चीज़ें पूछे जाते हैं बार बार। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, इला चंद्र जोशी। इसका सही उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? ऑप्शन में है ऑप्शन एक हम हस्मत, इसका सही उत्तर होगा। मैं थोड़ा और डिटेल कर दूं चारों ऑप्शन का। हम हस्मत 1977 में आई थी, इसका लेखक कौन थे, कौन थी? कृष्णा सोबती। यादें और बातें, यह है 1998 में आई थी, बिंदु अग्रवाल इसके लेखक हैं। दीवान खाना, दीवान खाना संस्मरण है पद्मा सचदेव का, 1984 ईस्वी में आई थी। स्मृतियों के छंद, ये है रामदास मिश्र का, 1995 में आया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर का ऑप्शन ए। मैं अब डिटेल कर दूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, ये सब आत्मकथा है, सभी हरिवंश, इसमें दो है हरिवंश राय बच्चन की और बाकी अलग अलग लेखकों का है। आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन का, 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है दूसरा बसेरे से दूर, ये 1978 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये भी हरिवंश राय बच्चन का ही है, आत्मकथा है। फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का है, जो 1986 में आई थी, आत्मकथा है। जो मैंने जिया, ये है कमलेश्वर की रचना है, मतलब आत्मकथा ही है, 1992 ईस्वी में आई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी किस पे आधारित है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, TGT, PGT, नेट, JRF, ये सब में। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, एशिया प्रवास। तो इसका सही उत्तर होगा यूरोप प्रवास, ठीक है। आपको मैं बता दूं, चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डायरियों का निम्नलिखित दैनंदिनियों अर्थात डायरियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड में है दैनंदिनी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरे कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। अब मैं इसका डिटेल करता हूँ। दैनंदिनी, दैनंदिनी है 1885 की रचना है, जो राधाचरण गोस्वामी इसके लेखक थे। डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिरला लिखे थे 1940 ईस्वी में। मेरी कॉलेज डायरी, यह है धीरेन्द्र वर्मा की डायरी है, 1954 में आई थी। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की डायरी है, जो 1971 ईस्वी में आई थी। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं? इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही है, राधा कृष्ण दास, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ये 1904 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाँ अगला प्रश्न है, हाँ
हाँ, आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं, आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। ऑप्शन में है बियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय, सेठ गोविंद दास। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अब मैं डिटेल करता हूँ। आत्मनिरीक्षण का प्रकाशन हुआ था 1958 ईस्वी में, जिसके लेखक कौन थे? सेठ गोविंद दास। और मेरी जीवन प्रवाह बियोगी हरि की रचना है, जो 1948 में आई थी। साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है, जो 1946 में आई थी। मेरी असफलताएं गुलाब राय की रचना है, जो 1946 में आई थी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी के लेखक कौन है? स्मृति की रेखाएं, माटी की मूर्ति, हरिश्चंद्र, इसके लेखक को बताना है। ठीक है, मतलब ये सब सब क्या है, इसके बारे में मैं आपसे अब बात करता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू। ठीक है, अब मैं इसका डिटेल मैं आपके सामने करता हूँ। मेरी आत्मकहानी एक आत्मकथा है। ठीक है, श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मेरी आत्मकहानी ये 1941 में प्रकाशन हुआ था, श्याम सुंदर की आत्मकथा है। और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं एक रेखा चित्र है, जो महादेवी वर्मा की है, 1947 में आई थी। माटी की मूर्ति ये क्या है? रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, 1946 ईस्वी में आई थी। ठीक है, और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र है, जीवनी है, शिवरंजन सहाय इसके रचनाकार हैं, 1905 में आई थी। और माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र की रचना है, जो रेखाचित्र है, 1959 ईस्वी में आई थी। ठीक है, हाँ, तो यहीं से प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। और इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यूनिट 1 पे लाऊंगा, जिसमें भाषा से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। अगले यूनिट में मैं यूनिट 1 लाऊंगा, क्योंकि 5 से लेकर के यूनिट 10 तक मैं दे दिया हूँ। अब यूनिट 1 स्टार्ट करूंगा, अगले दिन मैं लाऊंगा यूनिट 1। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी जगह शेयर कीजिए प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद। आप लोग इस बार नेट JRF निकालने, जो भी मेहनत करें उनका जरूर निकलेगा।